सो लोग गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्जाम डेट को लेकर जो 27 तारीख को चेंजिंग हुई है और आपका 28 को डेमो टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद 31 तारीख को आपका फाइनल एग्जाम दिया जाएगा जो कि एंट्रेंस एग्जाम सिलेक्शन बेसिस पर होगा। सो आप बहुत सारे लोग को मन में डाउट होगा कि डेमो टेस्ट क्या होते हैं, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि डेमो टेस्ट अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो जैसे कि ट्राई बॉल खेलते हैं उसी तरह का डेमो टेस्ट भी होता है। उसमें आपको बताया जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे देना है, कैसे क्वेश्चन चेंज होता है, कैसे आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन कैसे टिक करना है। मतलब 10th वाले बच्चे बहुत ही नए होते हैं कुछ लोग, हालांकि इस बार कोविड के चक्कर में वो लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम देना तो जान ही गए होंगे, लेकिन उसमें भी फिर भी कुछ अगर चेंजिंग आती है कंपनी तरफ से तो वो पहले ही एग्ज़ाम लेकर के ट्रेनिंग करवा दिया जाएगा, उसका फाइनल एग्ज़ाम जो कि 31 और 2 को होने वाली है फिलहाल अभी तक। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन मैं अपने मरीज नहीं बताता हूँ, सबसे पहले तो ये बात है, अभी फिलहाल यही डेट चल रहा है। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेट एग्ज़ाम डेट अपना प्राइवेट कंपनी कभी भी एग्ज़ाम डेट चेंज कर देती है, आप ही लोग को अवेयर रहना होगा। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी से, चाहे हम लोग का जो भी बहुत सारे लोग का यूट्यूब में आपको वीडियो मिल जाएंगे कि कब एग्ज़ाम डेट वगैरह होगी नहीं होगी। सो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली वीडियो में आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाली है, रिजल्ट डेट को लेकर, कब होगी कट अप को लेकर, आपका मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या ले जाना पड़ता है, क्या ओरिजिनल दिखता है देखता है, क्या आपका जेरॉक्स मांग रखता है, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रखता है या नहीं रखता है, बॉन्ड पेपर साइन होता है नहीं होता है, आपका ट्रेनिंग कितना साल का होता है, मैं सब कुछ आने वाली वीडियो में समय के साथ बता दूंगा। सो आप जो भी, इसके अलावा आपके मन में बहुत सारे भी क्वेश्चन आ रहा होगा, अभी भी बहुत सारे लोग का ईमेल वेरिफिकेशन का लिंक नहीं आया है, बहुत सारे लोग का ईमेल रजिस्टर गलत हो गया, तो आप तुरंत ही बिना रुके हुए आप सुमित दनपर जो कि ईमेल आईडी जो दिया हुआ है टाटा सेल को, उनको मेल कीजिए। मैंने रात को ईमेल किया था, जो चीज इन्फॉर्मेशन था वो सुबह तक रिप्लाई आ गया, तो जो भी आपको दिक्कत होता है उनको मेल कीजिए, वही लोग आपको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई एप्लीकेशन स्टेटस से वगैरह या फिर कुछ अदर एग्जाम को लेकर डाउट्स है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, अभी वहाँ पर मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, समय अगर जल्दी मैं देखता हूँ वो तुरंत रिप्लाई करता हूँ। आप यूट्यूब पर कमेंट्स पढ़ने का मेरे पास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको मालूम है बहुत सारे मेरा एक्सपीरियंस आ चुका हूँ, गलत और सही दोनों तरह के कमेंट्स आते हैं। अगर लोग वही करते हैं जिनको कुछ काम धंधा नहीं है, सिलेक्शन देने से मतलब नहीं है, बस दूसरों को डिस्टर्ब करने से मतलब है, तो बहुत सारे लोग का उस तरह का भी कमेंट्स आते हैं, और उन लोग को चक्कर में जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है तो कमेंट्स में दब जाते हैं, उनका नीचे चला जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत इमरजेंसी कुछ क्वेश्चन है तो आप तुरंत ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग एक टेलीग्राम ग्रुप चाहते हैं तो मैं बोलिए एग्जाम से रिलेटेड एक टेलीग्राम ग्रुप बना देता हूँ, जिसमें मैं तुरंत तुरंत इन्फॉर्मेशन पास कर दूँ ताकि आप लोग भी पता चल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। थैंक यू।